नमस्ते गाइस, फिर से वेलकम टू द माय चैनल। और आई होप आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो त्योहारों की तैयारियाँ सब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेज़न शॉपिंग हॉल। तो मैंने अमेज़न से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अमेज़न पर शॉपिंग अमेज़न पर सेल चल रही है, जो 21 तक है लास्ट। तो इसलिए मेरे को कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो मेरे घर में ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने उन चीज़ों को मंगाया है। कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कुछ किचन से रिलेटेड है। इस तरीके की मैंने चीज़ें मंगाई हैं जो आप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, कुछ नहीं की हैं, तो उसी के लिए मैं आपसे वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ये परफ्यूम है। मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ा है, वैसे काफ़ी कॉस्टली है ये। आई थिंक ये इसका प्राइस भी वहाँ पे MRP तो इसका 2190 है। आपको शो नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसके नीचे के हिस्से में लिखा हुआ है। तो कार्टन लंदन का है ये, म्यूज़ EDU है। तो ये मुझे, इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इवन। और मुझे ये 700 समथिंग का पड़ा है। मैं आपको इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जिससे डायरेक्टली वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो मैंने मंगाया है रोल ऑन 2। तो मैं एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, इसलिए मैंने ये 2 ऑर्डर किए हैं। एक मैंने मंगाया है बी बॉडी वाइज का और एक मैंने मंगवाया है TWC का। तो मुझे नहीं पता, मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हैं। तो एक पे प्राइस लिखा है 249, जो TWC का है ये वाला, इस पे प्राइस लिखा है 249। और जो बी बॉडी वाइज का है, इस पे ये मेड इन इंडिया है, इस पे प्राइस लिखा है 399। तो फ्रेगरेंस दोनों की अच्छी है, हल्की है, अच्छी है दोनों की। मैंने ये बी बॉडी वाइज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे सही लगा। और ऑफ़र में जो मेरे को इसको सेल इसका प्राइस पड़ा है मुझे, मैं वो आपको देख के बता दूँगी, या फिर मैं साइड में मेंशन कर दूँगी, इधर कहीं मेंशन कर दूँगी मैं आपको, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। अच्छी है, अच्छी चीज़ें हैं, डील में काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये डेली नीड की चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है शैम्पू, लॉरियल का शैम्पू मंगाया है मैंने। ये है प्रोफेशनल सीरीज़ का, प्रो कैरेटिन है ये। तो ये भी मुझे सेल में ठीक रेंज में मिला है ये भी। और इसके साथ मैंने मंगवाया है ये मास्क, ये भी मुझे सही मिला है। ये दोनों चीज़ें मैंने मंगाई हैं, तो इसके रिव्यूज़ में दे दूँ। मैं ये शैम्पू भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका ड्राई और डैमेज हेयर वाला मैंने यूज़ किया है, जो स्किन कलर का आता है वो वाला, वो मुझे सही लगा था, अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने अब की बार ये वाला मंगाया है। तो मैं ट्राई करूँगी ये वाला भी। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो मैंने मंगाई है एक सेल्फ़ी स्टिक, वो है ये Xiaomi की सेल्फ़ी स्टिक मैंने ये मंगवाई है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मतलब ये ट्राईपॉड बन जाता है पहली चीज़। 360 डिग्री होल्डर रोटेशन है इसमें, एक्सटेंडेबल लेंथ है इसकी, पर इसके साथ एक ब्लूटूथ वो भी है, फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस भी है इसके साथ। मैं वो आपको अलग से दिखा देती हूँ। ये है वो, ये देखिए, ये है, ये इधर बट गिर गई तो ये इतना सा है, ये इसमें एडजस्ट हो जाता है, ये जो है इसमें एडजस्ट हो जाता है। वो आपको लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें आप लगाओगे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी सिर्फ इतनी ही होती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं होती है, ये इतनी ही बड़ी होती है ट्राईपॉड, ये ऐसे बन जाता है, ये देखिए ऐसे। लेकिन इसका बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, रोटेट ये ऐसे हो जाता है, देखिए ये रोटेशन है, और आप इसको ऐसे बेंड कर दो तो ये छोटी है। हैंडी है, स्मॉल है, प्राइस भी रीज़नेबल है, 1199 की समथिंग थी ये शायद। प्राइस मैं आपको डाल दूँगी साइड में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। यूज़फुल चीज़ है अगर आप यूज़ करते हैं। मैंने मंगवाई थी ये किचन में कुकिंग वीडियोज़ बनाने के लिए, बट ये उतना इसकी ये जो लेंथ है ये बहुत कम है, तो ये बहुत, मेरे को लगा था ये किचन में रखी जाएगी और अब मैं ऐसे करके वीडियो इजीली बना पाऊँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है नहीं है, पर ये है कि आप कहीं बाहर गए हो, आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी हो
उन चीज़ों के लिए ये सही है। प्राइस भी मेरे को सही मिल गया था पहले, इवन एक बार मैंने पहले भी सोचा था तब ये काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन अब की बार वाला प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। बाकी आपकी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस होती है, मुझे ये ठीक लगा प्रोडक्ट तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो दोनों आइटम किचन की हैं और बड़ी आइटम है। एक्चुअली मेरा ब्लेंडर मैं ओरपेट का यूज़ कर रही थी बहुत सालों से, प्लास्टिक वाला, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, तो अब की बार मैंने ब्लेंडर में एक चेंज किया है। जो मैंने मंगवाया है स्टील का ब्लेंडर, और वो मंगवाया मैंने इनाल्सा का, ये देखिए ये वाला। इसके साथ आया है एक चॉपर, एक विस्कर और एक ब्लेंडर, तीन चीज़ें इसके साथ आई हैं, चौथा एक ये कंटेनर इसके साथ आया है। मुझे ये सेल में आई थिंक 2400 के समथिंग पड़ा है मुझे ये, मैं प्राइस इसका भी आपको मेंशन कर दूंगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब मैंने ओरपेट का ब्लेंडर मैंने 2 या 3 बार ख़रीद लिया है आज तक, मेरी शादी हुई को हो गए 12 साल, तो मैं 2-3 बार उसको ख़रीद चुकी हूँ और उसको इतना मैंने ठीक कराया है मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने वायर चेंज कराई है, कभी उसका वो क्या बोलते हैं ब्लेड उसका नीचे आ जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ रही हैं तो, और मेरा बहुत रफली यूज़ होता है ब्लेंडर, तो इसलिए अब की बार मैंने स्टील का मंगाया है। तो अभी तक मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा है। मुझे प्राइस भी बार बार 700-800 रुपये बार बार खर्च करना और एक बारी में आप अच्छी चीज़ पे पैसे लगा, मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है। मुझे पहले पता नहीं था एक्चुअली कि स्टील में भी ब्लेंडर आते हैं, लेकिन मुझे अब पता है तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च आउट किया था इसको, मैंने वेट भी बहुत किया था इसके लिए, ये कभी तो सस्ता है। ये एक्चुअली डील ऑफ डे में, मुझे डील ऑफ द डे जो चलती है अमेज़ॉन पे, मुझे उसमें ये इतने का पड़ा है, बट आई थिंक अब भी मुझे नहीं पता लेटेस्ट इसका प्राइस क्या चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली। दूसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है वो कपड़ों से रिलेटेड है, आजकल उसकी बड़ी सारी ऐड आ रही है, ये सर्फ एक्सेल का स्मार्ट स्प्रे टू रिमूव फैब्रिक स्टेन्स। ये ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेन रिमूव कर देगा। मैं यूज़ करूँगी इसको, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया इसको, और मैं यूज़ करके ज़रूर आपको बताऊँगी कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ये क्या स्टेन सच में हटाता है नहीं हटाता है। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं तो स्टेन्स बहुत लगते हैं कपड़ों पे, और इसलिए मैंने इसको मंगाया है। मैं इसको यूज़ करके देखूँगी और मैं आपको रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी इसके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक चीज़ और मंगाई है, बहुत बड़ा बॉक्स है इसका, एक मिनट, ये है ये बड़ी चीज़ है, ये देखिए आपको दिख गया होगा, ये देखिए मैं इसके पीछे पूरी छुप जा रही हूँ। ये मैंने मंगवाया है मिक्सर ग्राइंडर फिलिप्स का, इन्होंने मिक्सर ग्राइंडर लिखा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फूड प्रोसेसर है। हाँ जी, इन्होंने दो जगह, एक जगह मिक्सर ग्राइंडर लिखा हुआ है फिलिप्स का और दूसरी जगह इन्होंने लिखा हुआ है फूड प्रोसेसर। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं ये देख लीजिए। इसके साथ आया है ये मशीन, और ये इसके साथ चार टाइप के इसके साथ जार आए हैं, एक जूस वाला, एक ग्राइंडर वाला, एक मिक्सर, और नेक्स्ट इसके साथ जो चॉपर नहीं सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम, फूड प्रोसेसर शायद इसी को बोलेंगे हम, इसमें चॉपर है, इसमें आटा बनाने के लिए नीडर है, दो इसकी स्टील के अटैचमेंट्स हैं और दो इसकी वैसे दूसरी टाइप के अटैचमेंट हैं, चार टाइप किसके साथ अटैचमेंट आई है। जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसमें सिट्रस जूस भी आप निकाल सकते हैं इसके साथ, वो भी अटैचमेंट दी हुई है। जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अपनी कुकिंग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिक्सर में सॉरी ग्राइंडर में इसका यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, आवाज़ करता है, पर मुझे लगता है कि इतना हैवी जब मोटर होती है, 750 वॉट की इसकी मोटर है, इतनी हैवी मोटर होती है तो आवाज़ तो करेगी, वो हैवी ड्यूटी के लिए होती है तो आवाज़ तो करती हैं। तो ये इसके साथ 5 साल की वारंटी आई है मोटर पे, जिसकी वारंटी होती है। मुझे ब्लैक कलर में मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मैंने फ़िलिप्स का एयर फ्रायर भी लिया हुआ है, किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मुझे फ़िलिप्स की चीज़ें अच्छी लगती हैं पर्सनली, तो ये मैंने शॉपिंग की है जो अभी तक अमेज़ोन पे, और इसके बाद मैं इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्राइस मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और रिव्यूज़ के लिए मैं एक वीडियो फिर से बनाऊँगी जब मैं इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर लूँगी, रफली मैं इनको यूज़ कर लूँगी, तो मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो
तो उसके लिए आप मेरी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट किया करें, कुछ भी आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है फीडबैक प्लीज़ दिया करें, मैं आपकी फ़ीडबैक लेने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ, सब इन्जॉय करें, सब खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।